अॉस कल्चरल साइकोलॉजी वी बिन डिस्कसिंग द टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ कैरेडॉन एंड हाउ इज़ दैट कैरेडॉन विच मीन्स के जब हम अक्रॉस कल्चर्स रिसर्च करते हैं मुख्तलफ़ तो, सोसाइटीज़ की चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो रिसर्च जो है उसमें क्या मेथड यूज़ होते हैं और उसमें क्या मुश्किल पेश आती हैं उसमें क्या फ़ायदे होते हैं और उसकी वेरियस टेक्निक प्रोसीजर्स क्या तो इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे ये एक रिसर्च की एग्जाम्पल है जिसका नाम है सेक्स डिफरेंसेस इन मेट प्रेफरेंस सेक्स डिफरेंसेस से मुराद ये है कि मर्द और औरत जब अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो वो किन चीज़ों को देखते हैं क्या मर्दों के और औरतों के एक ही जैसे स्टैंडर्ड और प्रेफरेंस हैं वो चॉइस करते हुए कि उन्होंने कौन सी ख़ूबी कौन सी स्ट्रेंथ कौन सी क्वालिटी देखनी है फ्यूचर पार्टनर में और अगर उनमें कोई फ़र्क नहीं है तो क्या ऐसा बाकी कल्चर्स में भी तमाम मर्द औरत यही करते हैं यानी वहाँ भी मर्द और औरतें एक तरह या मुख्तलिफ तरीक़े से करते हैं और अगर तरीके से करते हैं तो क्या ये फ़र्क तमाम कल्चर्स में तो बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर हैं पुराने कन्वेंशनल कल्चर हैं जिनमें मर्द और औरत दो मुख्तलिफ दायरों में दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना अपना कल्चर बना के रहते मसलन कई दफ़ा औरतें उन घरों में नहीं जाती जहाँ पर मर्द अपने दुनिया उन्होंने बसाई होती है विच मीनस कि उनका डेरा है या जिसको बैठक कहते हैं हर इलाके में चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी रीजन हो उसका एक मख्तलफ नाम हो सकता है तो यही अफ्रीकन कल्चर्स और ट्राइबल कल्चर्स में पूरी दुनिया में है कि कुछ कल्चर्स में औरतें उन मर्दों की स्पेस में नहीं जाती कई दफ़ा उन रस्मों में हिस्सा नहीं लेती जो सिर्फ़ मर्दों के लिए हैं और कई ट्राइब्स में ये भी है कि जो गाने जो तराने जो मर्दों को नस्ल बर नस्ल दिए जाते हैं औरतें वो नहीं गाती और मुमकिन है कि मर्द, लोरिया ना गाते हो तो ये तो वो फ़र्क है जो इन अपने अपने दायरों में रहने का है आज की सोसाइटी में भी वैल्यूज़ एटीट्यूड और नॉर्म्स जो हैं वो मर्द और, और औरत में फ़र्क हो सकते हैं तो सवाल ये है कि जब हम अपने लिए लाइफ पार्टनर के बारे में जज कर रहे होते हैं कि ये इस शख्स में कौन सी खूबी है जो टॉप पे होनी चाहिए तो मर्द उसमें क्या देखता है और औरतें उसमें क्या देखती हैं तो बहुत सालों से इस पर बहुत सी स्टडीज़ हो चुकी हैं पहली नाइनटीन की स्टडी जो वो सर उनके कोलीग्स ने की थी वो थर्टी सेवन कल्चर्स पे थी और उसमें ये पता चला कि अक्रॉस कल्चर्स मर्द देखते हैं ब्यूटी और एज और औरतों के लिए अहम होता है प्रोटेक्शन एंड स्टेटस क्योंकि उससे ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है अगर जो ब्रेड विनर है या फैमिली हेड है या मर्द है पार्टनर है वो आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ अच्छा अब इसका एक एवोल्यूशनरी प्रस्पेक्टिव वो क्या है एवोल्यूशनरी प्रस्पेक्टिव ये है कि हमारा दुनिया में सर्वाइवल जब से इंसान इस दुनिया में आया है आज तक कुछ असूलों के मुताबिक इंसान अपने आप को लेके चलता रहा है इससे उनकी बचत थी मसल वो अपना इलाका डिफाइन करते हैं अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं चाहे जंगल में रहते हो किसी ज़माने में तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ये है कि जो चीज़ इंसान को नस्ल बढ़ाने के लिए बेहतर होती है हम वही करते हैं तो मर्दों को यंगर एज या एज कंसनेशन क्योंकि उनको अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उस खातून को एक खास एज तक लेना है और खूबसूरती क्योंकि ये फिर रगबत पैदा करती है या अट्रैक्शन पैदा करती है तो ये मर्दों की टॉप पे होते हैं लिस्ट के जब पूरी दुनिया में पूछा जाता है और औरतों की टॉप पे होती हैं कि वो कमाते हों उनका स्टेटस हो वो मजबूत हो प्रोटेक्ट कर सकें फैमिली को अच्छा अब ये डिफरेंट कल्चर्स में ये चीज़ चल रही थी तो आइडियल उनके इसका मतलब है डिफरेंट है क्योंकि ये पहले हो चुका है बहुत तो अब अब जो रीसेंट स्टडी 45 कंट्रीज़ में हुई है जिसमें पाकिस्तान का डाटा भी हमने शामिल किया वो चौदह हज़ार लोगों पे थी और पैंतालीस मुल्कों में थी तो उसका मकसद यही था कि ये जो पहले मालूम हो चुका है क्या अब रीसेंट में और मुल्कों को डाल के भी यही पैटर्न है तो बिल्कुल यही पैटर्न निकला कि एक यूनिवर्सल फिन है कि मर्द औरत और अपने लाइफ पार्टनर की चॉइस में कुछ ख़ास चीज़ों को प्रेफर करते हैं जैसा कि मैंने कहा मर्द औरतों की नस्बत ज़्यादा यंगर और अट्रैक्टिव लाइफ पार्टनर चाहते हैं और औरतें मर्दों की नस्बत ओल्डर लेकिन फाइनेंशियल जिनके प्रॉस्पेक्ट अच्छे हो तो खैर समझ में भी आती है क्रॉस कल्चरली जैसे जैसे किसी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा बढ़ती है तो लोग अपनी एज के करीब के रिश्ते को प्रेफर करते हैं अच्छा एक से हट के ना तो ये जो पैथोजिन प्रेवलेंस है वो होती है आ, किसी बीमारी का किसी सोसाइटी में मौजूद होना तो ना जेंडर इक्वलिटी ना बीमारी की सोसाइटी में मौजूदगी वो ये जो प्रेफरेंस आपको नज़र आ रही है उस पर अंदाज़ नहीं होती जो चीज़ है वो मर्द औरत और 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 होने से वाबस्ता है और कल्चर में जो हो रहा है या उस मुल्क में वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो इससे ये पता चला कि जो कल्चरल यूनिवर्सैलिटी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन पैटर्न्स हैं कौन लोग हमें अच्छे लगते हैं वो दोबारा से साबित हुए इस स्टडी में ये इस स्टडी की रेफरेंस है और इसमें जो ग्रीन से नाम आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके अपने पाकिस्तानी रिसर्चर हैं तो